लेट्स स्टार्ट ऑलरेडी फॉर स्टार्टिंग मैं ऑलरेडी 5 रीटेक कर चुका हूँ. सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस. और आज का जो बेसिकली वीडियो है वो रिलेटिवली पार्ट 2 है अनबॉक्सिंग का, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे. तो उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ कि अगर आप एक डेटा स्टोर पर्सन है जहाँ पे आप अपने वीडियोज़ फोटोज़ जो मेमोरीज होते हैं उसको आप अच्छी तरह से सेव करना चाहते हैं रखना चाहते हैं, तो पहला उसके लिए बात करेंगे. और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है या फिर आप मोबाइल से भी अच्छा फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा एंगल होना चाहिए. तो उस एंगल कैसे लेते हैं लोग और किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. यह हुआ हमारा दूसरा प्रोडक्ट. और तीसरा प्रोडक्ट है कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमारा एक फ़र्ज और भी, मतलब एक छोटा सा बात ये भी होता है कि उसको सेफ्टी से रखे कैसे. तो आज 3 प्रोडक्ट को हम लोग अनबॉक्स करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे. तो उससे पहले प्रोडक्ट देखिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं. आपको ये सिनेमेटिक शॉट जो मैंने शूट किया है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा. तो पसंद आया होगा तो लाइक दबा दीजिए भाई साहब और फिर आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं. तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसको अनबॉक्सिंग करना है, जो मैं अमेजोन से लिया था. तो बेसिकली इसमें क्या है अभी ओपन करके देखते हैं तो पता लगेगा. तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे क्या लगता है ये अनबॉक्सिंग करना. अनबॉक्सिंग करना इज़ लाइक ये साउंड जो है ऐसे करके ना, ये वाला मस्त लगता है. ये खुला ये फेंको. ये इसमें कुछ बिल और नेम है, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए. डब्बा का काम हो गया. सो, अभी मेरे पास है WD का 4TB हार्ड ड्राइव है एक्सटर्नल, जिससे होता क्या है कि मैं इतने सारे राइड और इतने सारे शूट करता हूँ तो मुझे एक बैकअप के लिए चाहिए. तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी था जो मैं इसमें रखा हूँ, ये 2TB का इसमें था जो ऑलरेडी फुल हो चुका था. मैंने अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया और बेसिकली दिस विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 8,500, बट विगविलियन के वजह से आई गॉट इन जस्ट 7,000. सो इसको भी अनबॉक्स करते हैं थोड़ा. ओके, दिस इज इजी टू ओपन और यहाँ से आराम से. ओके, सो ये इसका USB केबल है और ये है हमारा मेन 7,000 का इन्वेस्टमेंट. ये देख रहे हैं कितना पोर्टेबल है. सो इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि ये 4TB है सबसे बड़ी बात. और देखिए साइज कैसा है, यू कैन होल्ड इन योर पाम. सो ये साइज हो गया. दूसरा इसका क्या है, 3.0 USB जो है आप यूज कर सकते हैं ताकि फास्ट ट्रांसफर होता है. तीसरा चीज़ इसमें क्या है कि अगर आपके सिस्टम को ज़्यादा स्टोरेज फुल हो चुका है तो आप इसमें स्टोर करके अपने सिस्टम का स्पीड बढ़ा सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा. तो ये 3 चीज़ हुआ और यू कैन कैरी एनीवेयर, बहुत ईजी है भाई, जस्ट पाम में ऐसे आता है. सो ये एक मस्त वाला है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको हमने अनबॉक्स किया. WD एलिमेंट्स है, 4TB का है, विच कॉस्ट मी 7,000, जस्ट 7,000. तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लिंक चेक कीजिए. अभी दूसरा प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं. तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रोडक्ट अनबॉक्स. ये भी मैंने बेसिकली अमेजन से ही किया है इसको. अभी ये तो मैं स्पेशली अनबॉक्स के लिए ही रखाऊँगी, जितने भी है इसी से कट करना है. और ये अलग मजा. तो इसमें क्या है अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. दूसरा ये हो गया, इसका काम खत्म. यस, तो बेसिकली ये जो है मेन फ्रोटो का ट्राईपॉड है
अगर आप एक अच्छा फोटोग्राफर और एक अच्छे कैमरा एंगल चाहते हैं तो होप मेरे हिसाब से आपको ये मिनी ट्राइपॉड चाहिए ताकि आप अच्छे से शूट कर सकें। तो बेसिकली ये पीछे से ओपन होता है, ये इसका कुछ एंगल वगैरह के बारे में दिया हुआ है, हाउ टू शूट एंड कौन सा प्रोडक्ट जो है इस पर। तो कैमरा है, ट्राइपॉड है, इजी टू यूज है, ये नहीं चाहिए, वही मेन प्रोडक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे जस्ट एक स्विच है, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये जो है ये आपका ये रोटेट होता है हर एंगल में, ये देखिए ये, तो ये इजी हो जाता है। और कितना छोटा है ये देखिए, है ना, मैनफ्रेटो का। सो दिस कॉस्ट मी, मैं भी ये भी अमेजोन से ही लिया, तो दिस कॉस्ट मी 1400 में हो गया और काफ़ी अच्छा है। आप ये देखिए कितना अच्छा से आप इस एंगल से आप शूट कर सकते हैं, अपने हाथ को ऐसे रख के तो ये पूरा आता है। तो ये देखिए, तो ये एंगल अच्छा देता है, आप इसे रख के भी शूट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात, बहुत छोटा है। सो दिस कॉस्ट मी 1400, लिंक नीचे मैं डाल देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके चेक कर सकते हैं। और तीसरा अनबॉक्सिंग जो है, एक्चुअली ये अमेजन से नहीं है, फ्लिपकार्ट से है। रखते हैं, ओके ओके ओके, इसका काम हो गया। और तीसरा वन एंड ओनली, सो जब आप एक 7000 का हार्ड ड्राइव ले रहे हैं तो ऐसा कुछ तो आपको हार्डली 250-245 कॉस्ट करता है। तो आप इसको इसमें रखने के लिए, बेसिकली ये इसका केस है, हार्ड ड्राइव का केस है, आप अच्छे से रख सकते हैं। ये भी काफ़ी छोटा है, आप इसको अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे इसको रख सकते हैं। दिस इज ईजी टू यूज एंड पाउज है, छोटा सा कैरी केस है बट काफ़ी कम्फर्टेबल है, आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी डब्ल्यू डी का ही है, बट द थिंग इज़ दैट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट, क्योंकि अमेजन पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे। सो ये है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट नंबर वन, ये आई लव दिस, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है यार ये, जस्ट छोटा सा, देखिए आप, यू कैन कैरी इन योर पाम। तो ये है, तो बात कर रहे थे इस कैरी केस की, तो ये 245 का है, इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज डू लेट चेक। दैट्स इट फ्रॉम द डे, अनबॉक्सिंग का दूसरा वीडियो था हमारे चैनल पे, मतलब हमारे चैनल, हमारे ट्रैवल डायरी इंडिया के चैनल पे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और एक बहुत बेस्ट थिंग ये है कि हमारे वीडियो का व्यू लेवल जो है ऊपर बढ़ रहा है। तो दिल से थैंक्स टू एवरी वन जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप अभी हमारे वीडियो पे क्लिक किए एंड यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइए। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। सो टिल देन, राइड सेफ, बी सेफ, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।